जी, आज का जो मैच है सारों से बड़ा कंसर्न जो मुझे नज़र आ रहा है वो पिच का नज़र आ रहा है। जो लास्ट नाइट भी मैच देखा था उसमें भी ये था कि जी कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, कोई मज़ा नहीं आया देखने का, क्योंकि जी स्कोर पे स्कोर बन रहे होते, कोई छक्के लग रहे होते, चौके लग रहे होते, तो मेरे ख्याल में T20 का मज़ा आना था। तो मेरे ख्याल में एक तो ग्राउंडमैन्स को ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी पिचेस को बेहतर करने के लिए, और PCB को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि एक पिचेस अच्छी नहीं है, दूसरा ये कि जी कोविड की वजह से क्योंकि जी काफ़ी सारे प्लेयर है ना नहीं खेल सक रहे, ये भी एक नुकसान हो रहा है। क्योंकि जिस तरह जलमीक में वहाब रियाज नहीं खेल सक रहे, कामरान अकमल नहीं खेल सक रहे, जजाई नहीं खेल सक रहे, तो और क्वेटा से भी है ना शाहिद आफरीदी, मेरे ख्याल में सारों से ज़्यादा लोग है ना शाहिद आफरीदी को इस दफ़ा खेलता हुआ देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जी वो अपना लास्ट PSL खेल रहे हैं मेरे ख्याल में। सो लोग उनको एक्शन में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जी बहुत सारों के पसंदीदा प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ें हैं आज की, लेकिन जो आज का मैच है मेरा ये ख्याल है कि जी दोनों टीमें ठीक है कि जी जलमी को काफ़ी सारी परेशानियां हैं, उनके प्लेयर्स नहीं हैं, क्वेटा मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर शक्ल में नज़र आ रही है कि उनका बैलेंस ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन T20 में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसा खेल है कि एक प्लेयर भी आपको जितवा सकता है, कि एक बॉलर का स्पेल आपको जितवा सकता है, एक बैट्समैन का स्पेल आपको जितवा सकता है। तो आज का मैच जिस तरह कल का मैच था, कल मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई बहुत ज़बरदस्त मैच था, आज का मैच ना कल से बेहतर नज़र आएगा, हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।